तरीके से शराब पीने की अनुमति देने या परोसने वाले रेस्टोरेंट पर कार्रवाई करते हुए दरअसल पुलिस ने आरोपियों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक बबन येड़िये ने अधिक जानकारी साझा की। जोन 3 अंतर्गत आने वाले ऐसे रेस्टोरेंट्स जहां शराब पीने की अनुमति ना होने के बावजूद रेस्टोरेंट द्वारा शराब परोसी जा रही है, पीने की अनुमति दी जा रही है, ऐसे रेस्टोरेंट पर पुलिस आयुक्त गजानन राजमाने के आदेशानुसार कार्रवाई की जा रही है। इसी श्रृंखला में कार्रवाई करते हुए तहसील पुलिस को भी सफलता हासिल हुई है। मिली जानकारी के अनुसार भरतनगर चौक चमन सावजी में अवैध तरीके से शराब परोसी या पीने की अनुमति दी जा रही है। ऐसी गुप्त सूचना मिलने पर तहसील पुलिस ने तत्काल इस मामले में कार्रवाई की और रेस्टोरेंट मालिक समेत 12 लोगों को रंगे हाथ गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। इस संदर्भ में पुलिस निरीक्षक बबन येड़िये ने अधिक जानकारी साझा की। भारत माता चौकामध्ये चमन सावजी या ठिकाणी तहसील पोलीस ठाण्यातील डीबी स्टाफने धाड टाकून तेथील गुत्ता दारूचा गुत्ता चालवत असलेला चमन सावजीचे मालक यांना अटक करण्यात आलेली आहे व तेथे दारू पीत बसलेले एकूण 12 व्यक्तीवर प्रचलित कायद्यानुसार कारवाई करण्यात आलेली आहे। दारू पीत बसलेले होते, त्यामध्ये मुद्देमाल की तिथं बसणंच दारू पीत बसणं हे बेकायदेशीर आहे। प्रत्येक सावजी जे हॉटेल चालवतात त्यांना दारू लोकांना दारू पिण्यासाठी तिथं परवानगी नाही आहे। जरी लोकांनी बाहेरून आणली तरी तिथं बसून पियायला परवानगी नाही आहे, त्यामुळे आपण ती कारवाई केलेली आहे। बता दें कि तहसील पुलिस की ओर से पहले भी ऐसे मामले में कार्रवाई कर कामयाबी हासिल की है। कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ दिशा हटवार, BCN न्यूज़ नागपुर।